students, I am Karuna Sharma from Krishna Koji Classes and welcome to our YouTube channel. Today we are going to learn about the complex sentence, simple sentence and compound sentences. These are the types of sentences and this is useful for you in the topic of synthesis. That's why first of all I will explain you about the types of sentence and after that I will teach you the topic synthesis. It is very necessary to understand first the types of these sentences, then it will be easy for you. Now this video I'll show you all differences between the simple sentences, complex sentences and compound sentences. So let's begin for this. So let's first we see what is a simple sentence. मैं आपको हिंदी तो हिंदी पढ़ाऊंगी जिससे कि आपकी समझ में आए. So, पहले हम देखेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं. सिंपल सेंटेंस कैसे होते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जाता है. सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही क्लॉज होता है. सिंपल सेंटेंस में केवल एक ही क्लॉज होता है और एक क्लॉज अपने थॉट को क्लियर कर देता है. सिंपल सेंटेंस में देखिए क्या होता है, केवल एक थॉट होता है, एक क्लॉज होता है और वो अपने थॉट को क्लियर कर देता है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल के सहारे से आपको बताऊंगी जिससे कि आपको बेटर समझ में आएगा. देखिए ये सिंपल सेंटेंस का एक एग्जांपल है. आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं. हमें एक क्लॉज से क्लियर हो रहा है कि हमारा जो थॉट है, हम जो सोच रहे हैं, हम किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं, वो इस सेंटेंस से क्लियर हो रहा है. इसमें तुम्हें एक सब्जेक्ट मिल रहा है और एक वर्ब मिल रही है. वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब. हियर दिस इज सब्जेक्ट, हियर दिस इज वर्ब, इट इज हेल्पिंग वर्ब. तो जिस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक हेल्पिंग वर्ब होती है वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है. ये हमारा सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है. इसमें इसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं. इंडिपेंडेंट क्लॉज हम इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्लॉज को समझने के लिए हमें किसी और क्लॉज की आवश्यकता नहीं होती है. जब हम कह रहे हैं आई एम अ टीचर, ये सेंटेंस क्लियर है. एक बार में ये चीज क्लियर हो गई कि आई एम टीचर. सेंटेंस हमारा सबको समझ में आएगा अगर हम किसी से कहेंगे आई एम टीचर, आई एम डॉक्टर, आई एम लॉयर. तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा थॉट सामने वाले को बिल्कुल समझ में आ जाएगा. इसको समझाने के लिए हमें किसी और क्लॉज की आवश्यकता नहीं है. That's it. It is simple sentence. Okay. एक और example मैं आपको बताना चाहूंगी simple sentence का. जैसे कि यहाँ पर एक example है. The post was vacant. The post was vacant. The post was vacant. यहाँ पर बताया गया है कि the post was vacant. कोई पद है, वो पद खाली है. तो इसका मतलब क्या है, देखिए क्लियर है. इतने से हमारा थॉट क्लियर हो जा रहा है. एक सेंटेंस है, यहाँ से हमारा थॉट क्लियर हो रहा है. The post हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट. Was क्या हो गया, वर्ब हो गया. तो जहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब होती है वहां पर वो हम उसे सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं और उसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, क्योंकि हमें इस क्लॉज को समझाने के लिए किसी और क्लॉज की आवश्यकता नहीं पड़ती है. ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. ठीक है, ओके. अभी हमने यहाँ पर सिंपल सेंटेंस कंप्लीट कर दिया है. सिंपल सेंटेंस जाना किस किस प्रकार के होते हैं. अब हम देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस. हाउ विल लुक ऑन कंपाउंड सेंटेंस. इन सिंपल सेंटेंस वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. बट इन कंपाउंड सेंटेंस देयर आर टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस.
there is a difference. In compound sentence, there are two independent clauses. मैं आपको इसको एग्जाम्पल के द्वारा आराम से बता पाऊंगी, समझा पाऊंगी, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा. जैसे कि पहले मैंने कहा सिंपल सेंटेंस में एक क्लॉज होता है वो अपने थॉट को क्लियर कर देता है, बट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक थॉट को क्लियर करने के लिए हमें दूसरा, मतलब एक क्लॉज को क्लियर करने के लिए हमें दूसरे क्लॉज की आवश्यकता पड़ती है, अदरवाइज वो अधूरे अधूरे से लगते हैं, अधूरे अधूरे से लगेंगे. यही कंपाउंड क्लॉज है. जैसे कि मैं कहती हूँ यहाँ पर एक एग्जाम्पल दूंगी, एक गार्ड विसिल, ये कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है. एक गार्ड विसिल, एक गार्ड विसिल, और इसी में एक एग्जाम्पल ये है द ट्रेन मूव्ड. नेक्स्ट सेंटेंस है द ट्रेन मूव्ड. इस एग्जाम्पल में क्या है कि गार्ड ने सीटी बजाई, गार्ड विसिल्ड, गार्ड ने सीटी बजाई, ट्रेन चल दी. परंतु ये सेंटेंस कुछ डिफरेंट डिफरेंट लग रहे हैं, ये अटैच नहीं लग रहे हैं. और सिंथेसिस में हमें क्या करना होता है, सेंटेंस को अटैच करना होता है. तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वो सेंटेंस अलग दिख रहा है, ये सेंटेंस अलग दिख रहा है. तो कंपाउंड सेंटेंस में कुछ कंजंक्शंस का यूज होता है, उन कंजंक्शंस को यूज करके हम इन सेंटेंसेस को जोड़ेंगे. जैसे कि हम कहेंगे द गार्ड विसिल्ड एंड द ट्रेन मूव्ड. जब हमने कहा कि द गार्ड विसिल्ड एंड द ट्रेन मूव्ड, देखिए एक गार्ड विसिल्ड एंड द ट्रेन मूव्ड, द गार्ड विसिल्ड एंड ट्रेन मूव्ड. यहाँ पर हमने इस सेंटेंस को जब कंबाइन किया तो हमने यहाँ पर एक कनेक्टर यूज किया, उन दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टिंग वर्ड का यूज किया. कनेक्टिंग वर्ड है यहाँ पर एंड. तो आपको ये याद रखना है कि कंपाउंड सेंटेंस में कौन से कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में किन वर्ड्स से हम सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, इसकी लिस्ट मैं आपको लास्ट में बता दूंगी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम एंड यूज कर सकते हैं क्या, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एंड यूज करते हैं. बहुत से बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन होता है सिंथेसिस पढ़ते समय. तो लास्ट में मैं एक लिस्ट दूंगी जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये कनेक्टिंग वर्ड्स कहाँ कहाँ, कौन कौन से कनेक्टिंग वर्ड्स यूज होते हैं. अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा, ए गार्ड विसिल्ड एंड द ट्रेन मूव्ड, गार्ड ने सीटी बजाई और ट्रेन चल दी. ये एग्जाम्पल हो गया कि जब इस एग्जाम्पल को और इस एग्जाम्पल को सेपरेटली देखेंगे तो दोनों का मीनिंग निकल रहा है कि गार्ड ने सीटी बजाई और सेकंड में द ट्रेन मूव्ड, ट्रेन चल दी. परंतु इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है. द मेन थिंग इन द कंपाउंड सेंटेंस इज दैट द कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन इज मस्ट. तो जो इवेंट्स हैं उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना मस्ट है. कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का अर्थ ये होता है कि जो दो घटनाएं हैं उनका आपस में संबंध होना चाहिए. अगर आप कहेंगे कि द गार्ड विसिल्ड और माने खाना बना दिया, कोई कॉम्बिनेशन है कि रेलवे स्टेशन पर गार्ड ने तो विसिल किया और माने खाना बना दिया, तो इन सेंटेंस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई मेल नहीं हो पा रहा है. लेकिन कि गार्ड है रेलवे स्टेशन पर, वो विसिल कर रहा है और यहाँ पर ट्रेन मूव हो रही है, तो दो घटनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन है. तो कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है, इट इज मस्ट इन कंपाउंड सेंटेंसेस. ओके, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट there must be a comma after first independent clause, after that conjunction and after that second independent clause. कंपाउंड सेंटेंस में ये आवश्यक है कि जब हम दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं, दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हैं, परंतु जब पहला इंडिपेंडेंट क्लॉज हम लिखेंगे उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हम
हम कंजंक्शन का यूज करेंगे और उसके बाद हम सेकंड क्लॉज लिखेंगे और इसमें कंजंक्शन कुछ भी हो सकता है एंड बट सो देयरफॉर इस कंजंक्शन की लिस्ट मैं आपको बाद में लास्ट में लिखवा दूंगी। अब हम देखते हैं थर्ड, थर्ड हमारा कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो लेट्स वी मूव टुवर्ड्स द कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे होते हैं देखिए, यहाँ पर हमने देखा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यहाँ पर देखा दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज इंडिपेंडेंट होता है और एक क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी जरूरी नहीं है कि इन सिंथेसिस में केवल दो क्लॉज ही हो, सिंथेसिस दो या तीन से अधिक सेंटेंसेस का भी सिंथेसिस हो सकता है। यहाँ पर मैंने केवल एग्जाम्पल में दो दो लिए हैं लेकिन सिंथेसिस दो या दो से अधिक सेंटेंसेस का भी होता है। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब आप सिंथेसिस करेंगे तो वहां पर एक क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज होगा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि कोई वाक्य जब हम बोल रहे हैं, मान लो मैंने कोई सेंटेंस कहा और उस सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है और मीनिंग क्लियर करने के लिए आपको किसी और क्लॉज की जरूरत पड़ रही है, मतलब कि इसका मीनिंग क्लियर करने के लिए, एक क्लॉज का मीनिंग क्लियर करने के लिए दूसरे क्लॉज पर ये क्लॉज डिपेंड है, इट इज डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को मिलकर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लॉज डिपेंडेंट होता है और एक क्लॉज इंडिपेंडेंट होता है, इसमें भी कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर है एंड बट, कंपाउंड में हमने देखे एंड बट देयरफॉर सो, परंतु यहाँ के कंपाउंड के कनेक्टिंग वर्ड्स अलग होंगे और कॉम्प्लेक्स के कनेक्टिंग वर्ड्स डिफरेंट होंगे। कॉम्प्लेक्स के कनेक्टिंग वर्ड्स कंपाउंड में नहीं काम करेंगे और कंपाउंड के कनेक्टिंग वर्ड्स कॉम्प्लेक्स में काम नहीं करेंगे, दोनों के अलग अलग हैं। तो पहले एक एग्जांपल देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। कॉम्प्लेक्स माने कि देखिए, अगर हम एक सेंटेंस कह रहे हैं तो उसका मीनिंग क्लियर करने के लिए हमें दूसरे सेंटेंस की जरूरत पड़ रही है। एग्जाम्पल में देखो, व्हेन ही परस्यूड द फॉक्स, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, When he pursued the fox, जब उसने फॉक्स का पीछा किया तो क्या हुआ, आगे क्वेश्चन उठ रहा है तो क्या हुआ, तो ये थॉट क्लियर नहीं है, मतलब कि ये क्लॉज कैसा है, ये क्लॉज है डिपेंडेंट क्लॉज, ये क्लॉज कैसा है डिपेंडेंट क्लॉज। यहाँ पर कहा जा रहा है When he pursued the fox, जब उसने फॉक्स का पीछा किया तो क्या हुआ, आगे क्वेश्चन उठ रहा है माइंड में कि क्या हुआ, देयर इज नॉट अ क्लियर थॉट, हमें अपना थॉट क्लियर करने के लिए एक और क्लॉज जोड़ना पड़ेगा, उसमें एक और क्लॉज जोड़ना पड़ेगा तब हमारा थॉट क्लियर होगा। तो हमने उसके आगे जोड़ा इट रैन फास्टर, इट रैन फास्टर, मतलब कि जब उसने फॉक्स का पीछा किया तो फॉक्स और तेजी से दौड़। तो ये यहाँ पर एक सेंटेंस को, एक सेंटेंस का थॉट क्लियर करने के लिए हमें दूसरा सेंटेंस लिखना पड़ा, तो ये कैसा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यही होता है, एक क्लॉज होता है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। इस प्रकार से हमने आज तीनों सेंटेंस देखे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये सिंथेसिस में आपको सिंथेसिस पढ़ने से पहले इनकी जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने सिंथेसिस का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, सिंथेसिस का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब क्लियर कर दिया है। एक बार पर जरूर ध्यान से देखना, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो सिंथेसिस पर डालूंगी और सिंथेसिस की वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि एक एक सेंटेंस को कैसे सिंथेसिस किया जाता है। ओके, अब फाइनली मैं आपको कनेक्टिंग वर्ड्स बताने जा रही हूँ कि किस किस प्रकार के सेंटेंस में, किस किस टाइप्स के सेंटेंस में कौन कौन से कनेक्टिंग वर्ड्स यूज होते हैं। पहले तो हम देख रहे हैं सिंपल सेंटेंस का कॉलम खाली है क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर कनेक्टिंग वर्ड यूज नहीं होता है। इसमें सिंपल सेंटेंस में हम कोई भी कनेक्टिंग
वर्ड पर्टिकुलरली यूज नहीं करेंगे या डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं पार्टिसिपल्स का यूज करके नाउन फ्रेज एंड एपोजिशन एक्सेट्रा सेवन मेथड्स हैं वो मैं आपको जब पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी कि सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस कैसे होता है। अब हम देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को जब हम सिंथेसिस करेंगे तो उनके कनेक्टिंग वर्ड्स इस प्रकार से हैं एंड एज वेल एज बोथ डॉट डॉट एंड नॉट ओनली बट आल्सो एदर ऑन निदर ऑन और अदरवाइज बट हाउएवर स्टिल येट व्हाइल नेवरलेस व्हेरएज देयरफॉर फॉर सो हेंस एंड इसमें रिलेटिव प्रोनाउंस भी होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस रिलेटिव एडवर्ब्स का भी यूज करके ये हम कंपाउंड सेंटेंस को सिंथेसिस कर सकते हैं जैसे कि हु विच होम। तो इस प्रकार से ये मैंने कंपाउंड सेंटेंस के कनेक्टिंग वर्ड्स बताए हैं। अब मैं आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कनेक्टिंग वर्ड्स फास्ट बता देती हूँ। देखो इसमें हम व्हेनेवर व्हेन व्हाइल टिल अंटिल बिफोर आफ्टर एज लॉन्ग एज सिंस वेयर व्हेरेवर बिकॉज सिंस एज इफ अनलेस In case, then, as, as, so, as. तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है पॉजिटिव सेंटेंस as जब भी होगा सेंटेंस अफर्मेटिव होगा so as जब भी होगा नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा ये ध्यान रखिए। और इस ब्रैकेट इस टेबल को आप बिल्कुल नोटबुक पे ऐसे ही लिख लीजिए ताकि जब आप आगे सिंथेसिस पढ़ेंगे आपको बहुत इजी गोइंग हो जाएगा। और आगे चलते हैं दो although even if so that ये सब connecting words complex में use होते हैं और specially is because पर आप ध्यान रखिए because हमेशा complex sentence में use होता है बच्चे अक्सर because में confuse हो जाते हैं इसलिए आपका ध्यान है specially बता रही हूँ कि because हमेशा complex sentence में ही use होता है compound का connecting word ये नहीं बनता है। देखिए आगे दो although even if so that in order that so that दो types के हैं so dot 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 that and so that direct hai in order that to jab bhi so that without dot dot so that and in order that ye connecting words jab bhi honge to dekhiye bracket mein maine kya likha hai inke baad jab dusri clause aayegi us clause mein hame may aur might ka prayog karna hoga dhyan se sunna hai so that in order that jab bhi hum use karenge to uske baad wali clause mein tense ke according may aur might ka prayog avashya hoga is so that mein nahi hoga lekin is so that mein hoga aage badhte hain list list bhi ek connecting word hai complex sentence ka list mein hum jab bhi list se sentence ko connect karenge tab hum uske aage should ka prayog avashya karenge ye hame dhyan rakhna hoga। और देखिए आगे as so far as etc ये यहाँ पर कनेक्टिंग वर्ड्स मैंने बताए हैं सिंपल सेंटेंस में कोई कनेक्टिंग वर्ड्स नहीं है और यहाँ पर मेथड है कनेक्टिंग की डिफरेंट डिफरेंट मैं टॉपिक के टाइम पर सिखा दूंगी आपको बता दूंगी। कंफर्म सेंटेंस के कनेक्टिंग वर्ड्स मैंने बता दिए हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के कनेक्टिंग वर्ड्स ये है इसको जरूर याद करें इसको पॉज करके अपनी नोटबुक पर नोट करें ये आपका वर्क होगा और आपको ये करने के बाद सिंथेसिस का टॉपिक बहुत ही इजी गोइंग होगा। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप सिंथेसिस नहीं कर पाएंगे इसीलिए आपको कनेक्टिंग वर्ड्स पता होने चाहिए कि कंपाउंड सेंटेंस अगर हमें बनाना है तो कौन से कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करने हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो हमें कौन से कनेक्टिंग वर्ड्स यूज करने हैं अगर हमने ये इधर के उधर कर दिए यहाँ के यहाँ पर यूज कर लिए यहाँ के यहाँ पर यूज कर लिए तो ये कनेक्टिंग वर्ड्स देखकर तुम्हारा शुरू में ही सेंटेंस गलत देख लिया जाएगा और जो एग्जाम में 3 नंबर्स के लिए इंटरमीडिएट टॉपिक पूछा जाता है तुम्हारे वो 3 नंबर वो कनेक्टिंग वर्ड्स देखकर ही कट जाएंगे। सो गाइस सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग द सब्सक्रिप्शन सॉरी गेटिंग द नोटिफिकेशंस ऑफ नेक्स्ट वीडियोस। देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियोस जो मैं इस पर अपलोड करूंगी आपको वो समय समय पर मिलती जाए उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास आती जाएं। और मैं आपसे एक काम चाहूंगी कि आप एक काम करें कि आज मैंने जो पढ़ाया है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स आपकी कितनी समझ में आया है कितना कहाँ दिक्कतें आ रही है सो प्लीज
कमेंट्स, कमेंट इट एंड